जिस तरह से इस एजुकेशन का ढांचा पिछली सरकार ने बिगाड़ा है उस पर समीक्षा लेके सारी व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करना। नमस्कार, मैं हूं टीना और जनक का स्वागत है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा कोटा में राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय के लोकार्पण के लिए कोटा पहुंचे। इससे पहले कोटा के सर्किट हाउस में वे मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, लेकिन बीजेपी के राज में 4 पेपर हो चुके हैं और अब तक पेपर लीक का एक भी मामला सामने नहीं आया है। आपको पता है 3-4 परीक्षाएं हो चुकी है, एक भी पेपर लीक नहीं है और पिछली सरकार में पेपर लीक पे लीक हमारे बेरोजगार भाइयों को, युवा भाइयों को बेरोजगार से बेरोजगार बनाया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुए थे जिसकी वजह से कई युवा बेरोजगार हुए हैं। पुलिस प्रशासन की लापरवाही बरतने के मामले पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पुलिस प्रशासन लापरवाही बरतती थी, लेकिन अभी पुलिस किसी को नहीं बख्शेगी। नहीं है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस से सब कुछ करती है। पिछली गवर्नमेंट की बात तो उसमें ढिलाई थी, अब की बार ये किसी को बख्शेगी नहीं, बिल्कुल काम करवाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा का ढांचा बिगाड़ दिया है, अब इसकी समीक्षा लेकर सुव्यवस्था करेंगे। कोटा स्टूडेंट सुसाइड मामले पर उन्होंने कहा कि कोटा में स्टूडेंट सुसाइड और छात्रों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। अधिकारी से बात करेंगे, साथ ही समाधान निकालेंगे। वही लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी ही जीतेंगे। देश की जनता जानती है कि मोदी ने जो सपना जनता को दिखाया था उसे पूरा भी किया है। आने वाले चुनाव में मोदी की जीत पक्की है। जिस तरह से इस एजुकेशन का ढांचा पिछली सरकार ने बिगाड़ा है उस पर समीक्षा लेके सारी व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करें। इनकी कार्य योजना ये हमारी प्रक्रिया है कि किस तरह से हम काम करें, स्टेप वाइज स्टेप काम करें। उस स्टेप वाइज स्टेप के तहत 100 दिन का हमने टारगेट लिया है, उन योजनाओं को हम पूरा करें। तो आप ऐसा देख रहे हैं जनाब, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।